हेलो दोस्तों दोस्तों आज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच तीसरा ओडी मैच दोस्तों 347 का मिला है साउथ अफ्रीका को स्कोर 50 ओवर का मैच है। बैटिंग की बात करेंगे दोस्तों, बुआमा कैप्टन आए 35 रन पारी खेले 27 गेंद में, 5 चौके 1 छक्का लगाया था, 129.62 स्ट्राइक रेट। और तो बुआमा बॉक्स गेंद पर टॉप रन कैच लपका था, बुआमा कैप्टन को आज 35 पे आउट किया। दोस्तों बात करें रिजा हेंड्रिक की, 52 रन की पारी खेली थी 61 गेंद में, 6 चौके छक्के आए थे उनके बल्ले से। दोस्तों एड मलक्रम 39 की पारी खेली 35 गेंद में, 1 चौका 2 छक्के लगाए थे, 111.42 स्ट्राइक रेट। हैंडिस क्लेसन भी की जो मौजूद है नोट आउट है, 29 की पारी खेल चुके हैं, 28 गेंद में 2 चौके लगा चुके हैं, 103.57 स्ट्राइक रेट। डेविड मिलर बटलर ने कैच लिप का 8 गेंद पे 13 पे आउट हुए। मार्को जेंसन भी की जो मौजूद है 7 की पारी खेल चुके हैं। दोस्तों 7 गेंद 7 रन बनाए, 1 चौका लगाया था, 100 की स्ट्राइक रेट, एक्स्ट्रा मिले 5 रन, 185 5 विकेट नुकसान पे 29 ओवर समाप्त, 6.41 चली 51 रन रेट। दोस्तों जीत के लिए 6 आधे रन 185 रन बने हैं अभी 5 विकेट के नुकसान पे। दोस्तों इसे आज का मैच दोनों टीमों के बीच बहुत शानदार खेला गया। बेटी बाकी बैन पन्नेल सुचंदा निगिदी शमसी दोस्तों 49 पे पहला विकेट, 9th ओवर तैम बुआमा का 62 पे दूसरा विकेट, दशन का 112 तीसरा विकेट, रिजा का 158 पे चौथा विकेट, मार्क्रम का और 174 5 विकेट डेविड मिलर का। उस बॉलिंग बात करेंगे, बॉलिंग में दोस्तों बॉलिंग आज बहुत शानदार रही है। चेरी बॉक्स 6 ओवर डाले, 1 मिडिल इनका लगती से 1 विकेट लिया, रेस टोपले 4 ओवर में 28 रन दिए 0 विकेट, जोफ्रा अर्चर 6 ओवर 32 रन 3 विकेट, अदर्शी 7 ओवर 43 रन 1 विकेट, सेम करन 5 ओवर 36 रन 0 विकेट, मोनली 1 ओवर 15 रन 15 की रिकनों में। दोस्तों इस तरह दोनों टीम बीच बहुत ही शानदार मैच खेला गया। दोस्तों बात करेंगे अब इंग्लैंड बैटिंग किस तरह से रही है इस मैच में, इंग्लैंड बैटिंग बात करेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों आज विकेट में जो अच्छा 3 विकेट लिए, अदी रशीद 1 विकेट लिया, सरिस बॉक्स 1 विकेट लिया। अब बात करेंगे इंग्लैंड की बैटिंग किस तरह से रही है दोस्तों, आज दोस्तों चर्चा करें इंग्लैंड की बैटिंग की। हेलो दोस्तों आज का मैच इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा ओडी मैच खेला जा रहा है। चूँकि दोस्तों किम बेली में जो मैच आज का है जो खेला जा रहा है दोस्तों इंग्लैंड टीम ऑफ साउथ अफ्रीका। दोस्तों आज का मैच थर्ड ओडी मैच है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच का मैच। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और फैसला किया फील्डिंग का, तो अभी बैटिंग चल रही है इंग्लैंड की। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं 50 ओवर का मैच है, ओडी मैच तीसरा ओडी मैच खेला जा रहा है। दोस्तों 157 पे 3 विकेट गिर चुके हैं अभी इंग्लैंड टीम के। साउथ अफ्रीका की बहुत ही शानदार बॉलिंग चल रही, अभी बेहतर ओवर होने आए, 57 रन का बना स्कोर इंग्लैंड टीम के पास। दोस्तों लास्ट बात करेंगे 5 ओवर में आए 47 रन, करंट रन रेट चल रही है 4.90 की चल रही है रन रेट। हम बात करें इंग्लैंड की टीम की बैटिंग का रिकॉर्ड किस तरह है, जोस रॉय डेविड मिलान आए दोनों बल्लेबाजी करने। दोस्तों जोस रॉय की 1 दिन की पारी खेली, 7 गेंद में 1 रन बनाया था, 14.28 की स्ट्राइक रेट। निगेटिव भी गेंद पे बुआमा ने आसान था कैच लपका और जोस रॉय को 1 रन पे आउट किया, जोस रॉय ने अपना विकेट 1 रन पे गवाया था। निकिति की गेंद पे बुआमा ने आसान कैच लपके जोस रॉय को 1 रन पे आउट किया। दोस्तों बात करें डेविड मिलान की, भी नोट आउट है, बहुत ही शानदार पारी खेल चुके हैं, 66 रन बना चुके हैं 86 बॉल में, 4 चौके आ चुके हैं उनके बल्ले से, 2 छक्के लगा चुके हैं अभी तक इस मैच में, 76.74 ही स्ट्राइक रेट। डेविड मिलान 66 रन 86 बॉल 4.26 लगा चुके हैं इस मैच के, अभी नो डाउट क्रिज मौजूद है। दोस्तों बहुत ही शानदार पारी खेल चुके हैं, उनके साथ बेन डुकेट आए निगेटिव गेंद पे, क्लेसन ने कैच लपका और बेन डुकेट को 0 पे आज आउट होना पड़ा, 5 गेंद 0 रन बनाए थे, 0 की रही उनकी स्ट्राइक रेट। दोस्तों आज बेन डुकेट का खराब दिन, निगेटिव गेंद पे क्लेसन ने कैच लपक के आउट किया और जोस्ट 1 रन पे आउट हुए। डेविड मिलान क्रिज मौजूद खेल रहे हैं, अभी 4 विकेट गिर चुके हैं इंडियन टीम के। दोस्तों बात करेंगे हैरी ब्रुक्स की, वो भी निगेटिव गेंद पे एक लसन के सब का और हैरी ब्रुक्स को आज 6 रन पे अपना विकेट गवाया, 6 रन पे आउट हुए, 9 गेंद में 6 रन बनाए थे, 1 लगाया था छोका, 66.6 स्ट्राइक रेट। हैरी ब्रुक्स 6 रन 9 बॉल 1.66 स्ट्राइक रेट। कैल्सन की गेंद पे निगेटिव ने कैच, निगेटिव की गेंद पे कैल्सन कैच लपका और निगेटिव ने हैरी ब्रुक्स को भी 6 रन पे आउट किया। दोस्तों जोस बटलर भी क्रिज मौजूद है मिलान के साथ, विकेट कीपर और कैप्टन दोनों बहुत ही शानदार पारी खेल चुके, 76 की पारी खेल चुके हैं, 85
बॉल 5-4-3-6 इस मैच के लगा चुके हैं। अभी 89.41 स्ट्राइक रेट रही है इनकी अभी तक के मैच में। दोस्तों जोस बटलर भी क्रीज मौजूद है, कैप्टन और विकेट कीपर। 76 की पारी, बहुत ही शानदार पारी खेली है आज। 85 बॉल, 5 चौके आ चुके हैं उनके बल्ले से, 3 चौके लगा चुके हैं इस मैच में। 89.41 रही उनकी स्ट्राइक रेट। दोस्तों एक्स्ट्रा रन मिले हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, 8 रन, 2 नो बॉल के और 6 मिले हैं वाइड गेंद के। दोस्तों टोटल की बात करेंगे, 157 रन पे 3 विकेट गिर चुके हैं, 32 ओवर होने हैं, 4.90 की चल रही है उनकी करंट रन रेट। दोस्तों बैटिंग बाकी है, मोन अली, चेरिस फॉक्स, सैम करन, आदिल रशीद, जोफ्रा अर्चर, रेस टोपले की बैटिंग बाकी है। दोस्तों इस तरह से आज का मैच दोनों टीमों में बहुत ही शानदार से खेला जा रहा है। मोहन अली की बैटिंग बाकी है, जेस फॉक्स, सैम करन तो बैटिंग करते हैं। दोस्तों सैम करन ऑलराउंडर, बल्लेबाज गेंदबाज। दोस्तों बात करें बॉलिंग किस तरह से रही है साउथ अफ्रीका टीम की, बॉलिंग का किस तरह से प्रदर्शन रहा है इस मैच में। तीसरा ओडी मैच है दोस्तों, साउथ अफ्रीका टॉस जीता पहले फैसले का फील्डिंग का, तो आज साउथ अफ्रीका फील्डिंग को लेकर बात करें किस तरह से रही है। फॉलो विकेट, 2 पे गिरा पहला विकेट जोस रॉय का, दूसरे और छठी गेंद पे, उसके बाद बेन विकेट गिरा था 74 और पहली गेंद पे, 5 में दूसरा विकेट, 14 पर तीसरा विकेट हैरी ब्रुक्स का, छठे और चौथी गेंद पे। बॉलिंग की बात करेंगे, बॉलिंग में मार्को जेनसन 6 ओवर डाले थे उन्होंने इस मैच में, 15 रन दिए, 2.50 की रही उनकी इकोनॉमी। मार्को जेनसन की बहुत शानदार बॉलिंग, 6 ओवर में 15 रन, 2.50 इकोनॉमी, 2 डाली वाइड गेंद। उनके बाद बात करें लुंगी निगेदी की, दोस्तों निगेदी के 6 ओवर डाले इस मैच के, 15 रन दिए उन्होंने, 3 विकेट लिए थे। निगेदी की बहुत ही शानदार बॉलिंग, 3 विकेट उन्होंने झटकाए, बड़े बड़े विकेट लिए थे आज इस मैच में। लुंगी निगेदी की बहुत ही शानदार सटीक गेंदबाजी, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन हुआ इस मैच में देखने को मिला है। 3 विकेट लिए हैं उन्होंने, बड़े बड़े विकेट लिए हैं, जोस रॉय का विकेट लिया उन्होंने, वैन डुकेट और हैरी ब्रुक्स का, तीनों का विकेट उन्होंने लगातार लेके इस मैच को रन से रोका है इंग्लैंड टीम को। 2.50 की इकोनॉमी से रन आए हैं उनके प्रति ओवर से, वाइड गेंद डाली थी उन्होंने 106 ओवर में, 15 रन मिले हैं उनको और 3 विकेट लिए हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है इस मैच में लुंगी निगेदी का। वेनी पंडल की बात करें, 7 ओवर में उन्होंने 31 रन दिए, सफलता कोई मिली नहीं है अभी तक, 4.42 रही इनको इकोनॉमी। दोस्तों मार्को जेनसन 6 ओवर 15 रन, 0 विकेट, इकोनॉमी 2.15, वाइड गेंद 2, एंड लुंगी निगेदी 6 ओवर 15 रन, 3 विकेट, बिग विकेट, जोस रॉय, बेन विकेट, हैरी ब्रुक्स बिग विकेट गॉन, 2.50 इकोनॉमी, वाइड गेंद। वेनी पंडल 7 ओवर 31 रन, 4.42 इकोनॉमी। दोस्तों आज बहुत शानदार निगेदी की रही थी गेंदबाजी, इस तरह से पनेल ने 31 रन दिए थे उन्होंने, 7 ओवर में उनके आए थे 31 रन, बहुत ही बेहतर अच्छा प्रदर्शन रहा है इन मैच में लुंगी निगेदी का। 3 विकेट चटकाए थे उन्होंने, बहुत ही शानदार बॉलिंग की है इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। तीसरा ओडी मैच चल रहा है इंग्लैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका। सुचंदा मैंगला की बात करें, उन्होंने 5 ओवर डाले थे, 33 रन दिए, 6.60 रही उनकी स्ट्राइक रेट, सो इकोनॉमी, 2 डाली थी उन्होंने वाइड गेंद प्रति ओवर। दोस्तों 33 रन देके 5 ओवर डाले थे मैगला ने। इधर मरकर में बात करेंगे, 2 ओवर डाले 20 रन दिए, 10 की इकोनॉमी भूमिका वो साबित हो इनका सबसे, 2 ओवर 20 रन, 1 डाली थी वाइड गेंद। उसके बाद बात करें दोस्तों तेवरीज शमसी की, 6 ओवर डाले थे उन्होंने, 41 रन दिए, 6.83 उनकी थी इकोनॉमी। वेनी पंडेल 7 ओवर में 31 रन देके 4.42 इनकी इकोनॉमी रही थी। सिजदा वेगला 5 ओवर डाले, टोटल 33 रन दिए, 6.60 रही उनकी इकोनॉमी, 2 डाले वाइड गेंद। आदिल मलक्रम 2 ओवर डाले थे, 20 रन दिए, 10 की इकोनॉमी। दोस्तों इस तरह से आज का मैच दोनों टीमें बहुत शानदार से खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका टीम बात करेंगे, रेजा हेंड्रिक्स, तोम्बा बुआमा कैप्टन, रशीद देनवर दुशैन, एडन मलक्रम, हेनरिच क्लेसन्स विकेट कीपर, डेविल मिलर, मार्को जेनसन, वेनी पंडेल, चंदा मैकला, लुंगी निगेदी, तब्दीज शमसी के अच्छी गेंदबाजी रही है इस मैच में। आज साउथ अफ्रीका टीम की इस तरह से उतरेगी आज अपने बल्लेबाजी करने के लिए। बॉलिंग तो आपने देखी है और देख सकते हैं किस तरह अच्छा प्रदर्शन किया है आज बॉलिंग का मैगला, लुंगी निगेदी का शानदार प्रदर्शन, 3 विकेट चटकाए थे उन्होंने इस मैच में। बाकी बल्लेबाज अभी खाता कोई सफलता मिली नहीं है इस मुकाबले में। इंडिया साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला, तीसरा ओडी मैच है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता पहले फैसला किया फील्डिंग का, बहुत शानदार फैसला, 157 पर गिर चुके, 32 ओवर आए होने आए हैं, 3 विकेट गिर चुके, बड़े बड़े विकेट चटकाए हैं। लुंगी निगेदी ने बहुत ही शानदार और बेहतर प्रदर्शन किया है इस मैच में। आज निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है, तीसरा ओडी मैच है जो कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। दोस्तों
दोस्तों इस हिसाब से आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। धन्यवाद।